रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। पिछले कई दिनों से हमीरपुर में गर्मी का पारा लगभग 45 पहुंच चुका था, लेकिन आज सुबह और गत रात घने बादल छाए होने के बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली है। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी चौक पर दुकानदारों ने खुद के सौजन्य से निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में, जो कि कल होने वाली है, उससे पहले एक दिन लोगों के लिए ठंडे पानी की छबील के साथ साथ हलवा व चने का प्रसाद भी बांटा। पिछले कुछ दिनों से हमीरपुर में गर्मी का पारा 45 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन आज सुबह से ही घने बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे मौसम सुहावना हुआ और गर्मी से लोगों को राहत मिली। इस मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गांधी चौक पर दुकानदारों ने निर्जला कालसी के उपलक्ष्य पर, जो कि कल है लेकिन एक दिन पहले ही, लोगों के लिए ठंडे पानी की छबील और साथ में हलवा चने का भंडारा भी लगाया। काफी लोगों ने ठंडे पानी और हलवा चने का खूब आनंद उठाया। दुकानदारों का कहना है कि निर्जला कालसी के उपलक्ष्य पर हम हर वर्ष ही ठंडे पानी की छबील लगाते हैं और इस पर साथ में हलवा और चने का भी भंडारा लगाया है। सन 2000 से इस छबील का आयोजन शुरू किया था। छबील में छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना खूब योगदान दिया और कहा कि छबील के ठंडे पानी से लोगों की प्यास बुझ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग ठंडे पानी और जो हलवा और चने का भंडारा लगाया गया है उसका आनंद उठाएं। गर्मी को देखते हुए छबील और भंडारे का औचित्य है। मौसम थोड़ा सुहाना हो गया तो हमने बोला कि गर्म और चने और हलवा भी खिलाया जाए। हम निर्जला काशी के उपलक्ष्य में इसको लगाते हैं। इस बार हमने एक दिन पहले इसलिए लगाया कि निर्जला काशी तो कल है वैसे, पर कल ऐसा है कि सारे सबने लगाया होता है तो आज थोड़ा सा लोगों को भंडारे का आयोजन किया हुआ है। हर साल की भांति हम निर्जला काशी वाले दिन इसको करते थे, पर इस बार इसलिए हमने इससे पहले किया है क्योंकि निर्जला काशी के वाले दिन तो हर लोग पिलाते हैं, तो हमने उससे पहले इसलिए पिलाया ताकि काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित होके इसका हमारे द्वारा प्रसाद जो तैयार किया गया है उसको ग्रहण करें और जो पानी में मीठा पानी बनाया गया है वो पी लें लोग। इसलिए उपलक्ष्य में इसलिए हमने एक दिन पहले इसका, ये हर साल करते हैं सर हम शुरू से, ये हम 2000 सन से कर रहे हैं।